हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेली ब्यूटी केयर चैनल में। जूते पहनने के बाद आती है पैरों से बदबू, तो आजमाएं ये नुस्खे। आइए दोस्तों जानते हैं कि अगर जूते पहनने के बाद भी आती है पैरों से बदबू तो कौन से नुस्खे आजमाने चाहिए। दोस्तों गर्मियां आते ही पसीने की परेशानी शुरू हो जाती है और इसके लिए हम डीओ से लेकर परफ्यूम तक की मदद लेते हैं। पर गर्मियों की एक और बड़ी प्रॉब्लम है जूते से आने वाली दुर्गंध। ऑफिस हो या घर में जूतों से पैर बाहर निकालते ही आसपास के लोग नाक बंद करने लगते हैं। कई बार इसके चलते शर्मिंदगी भी उठानी पड़ जाती है। पैरों से आने वाली बदबू को ब्रोमी हाइड्रोसिस के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर ये समस्या उन लोगों को होती है जिनके पैरों से पसीना सूख नहीं पाता। हम सभी की त्वचा पर बैक्टीरिया तो रहते ही हैं और जब ये पसीना इन बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो पैरों से बदबू आने लगती है। बाजार में पैरों की बदबू को दूर करने का कोई कारगर उपाय नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिन्हें आजमा कर आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो घरेलू उपाय। सबसे पहले आता है बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट यानी कि साधारण शब्दों में बेकिंग सोडा पैरों की बदबू को दूर करने का बेहद कारगर और आसान उपाय है। ये पसीने के पीएच लेवल को सामान्य रखता है और बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में कारगर होता है। हल्के गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा मिला लें और 15 से 20 मिनट तक पैरों को पानी में डुबोकर रखें। कुछ हफ्तों तक ये उपाय करने से फायदा जरूर होगा। इसके बाद आता है लेवेंडर ऑयल। दोस्तों लेवेंडर ऑयल न केवल अच्छी खुशबू देता है बल्कि ये बैक्टीरिया को मारने में भी असरदार है। इस तेल में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो पैरों की बदबू को दूर करने में बहुत फायदेमंद रहते हैं। हल्के गर्म पानी में कुछ बूंदे लेवेंडर ऑयल की डालकर पैरों को उसमें कुछ देर के लिए डुबो कर रखें। दिन में 2 बार ऐसा करना फायदेमंद रहेगा। इसके बाद तीसरा नुस्खा है फिटकरी। फिटकरी कसैली होती है और इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी पाया जाता है। ये बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है। 1 चम्मच फिटकरी पाउडर को 1 मग पानी में डालकर उसमें पैर धोएं। कुछ दिनों में बदबू की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आता है रोड़ा नमक। रोड़ा नमक भी पैरों की समस्या को दूर करने में बहुत कारगर है। ये पसीने से होने वाले संक्रमण और बैक्टीरिया को दूर करने में मददगार होता है। इसका इस्तेमाल भी फिटकरी की तरह ही किया जा सकता है। अदरक और सिरका, आप चाहें तो पानी में सामान्य सिरका मिलाकर उससे भी पैर धो सकते हैं, या फिर अदरक के रस को पैर पर मल लें और बाद में गुनगुने पानी से पैर को धो लीजिए। ऐसा करने से भी पैरों की बदबू चली जाती है। पैर रखें साफ। दोस्तों सबसे आखिर में मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जूते पहनने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पैर तो साफ है ना, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि गंदे पैर जूते पहनने से ज्यादा बदबू करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताए कुछ ऐसे सरल नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप अपने पैरों की बदबू से निजात पा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में जरूर बताएं, तथा इन सरल उपायों को अपनाकर आपको कितना लाभ हुआ इसके बारे में भी हमें जरूर लिखें। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।